Everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy. It's an online coaching for CAT, JAT, NMAT, SNAP, and IFT. MockZone is basically owned by 3D Learning and focuses on mock tests, crash courses, etc. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for CAT 2020 exam, because I am going to discuss one very important concern that students are having right nowadays, which is how to score in LRDA section of CAT. LRDA में काफी लोग issue आ रहा है, ठीक है? LRDA काफी tough होता है already, सबको पता है CAT में यही सबसे बड़ा game changer होता है, ठीक है? तो गैस पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी जो होती है एलआरडीए की करने की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आप काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता है, बच्चे गलत तरह से पेपर को देखते हैं कैट का और सब कुछ करना चाहते हैं, इसलिए उनका स्कोर नहीं आता है, ठीक है? और दूसरी बात क्या है, एलआरडीए में अनलाइक क्वांट्स को सिलेबस वैसा नहीं होता है, ठीक है? एक तरह का वो रीजनिंग ही है, उसमें कुछ ये नहीं कि क्वांट्स में तो सिलेबस होता है प्रॉपर, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं. बट कैट में सिलेबस दो एलआरडीए में टॉपिक्स हैं, बट कैट में जो क्वेश्चन आएंगे गैस आपको सामने भी नहीं आएगा कि कौन से टॉपिक हैं, क्योंकि बिल्कुल मिक्स जाते हैं वो. ऐसा नहीं आता कि बिल्कुल सिंपल सा लीनियर अरेंजमेंट आ गया, सर्कुलर अरेंजमेंट आ गया, ऐसा नहीं आता है. कैट बहुत ही अलग पेपर देता है कैट उसका, एलआरडीआई का, ठीक है? तो गैस आज जो उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो लोग काफ़ी परेशान है एलआरडीआई में, कि उनको लग रहा है बस आईआईएम का कट ऑफ ही निकल जाए 85 तक आ जाए अभी मेरे लिए आराम हो जाएगा, ठीक है? काफ़ी लोग हैं जिनको क्वांट्स में अच्छा आ रहा है, वीए में अच्छे हैं वो लोग, बट एलआरडीआई में यही लग रहा है कि कम से कम मेरा कट ऑफ ही क्लियर हो जाए, मैं बच जाऊँ कम से कम, आईआईएम की कॉल तो आ जाएगी, इवन न्यू आईएम की कॉल आ जाएगी, ठीक है? उन लोग के लिए वीडियो है, ठीक है? मैं यहाँ पे गाइस ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि आप अगर अभी स्टार्ट करते हो तो 30 दिन में आपका आराम से 1995 आ जाएगा, बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ है. यहाँ पे मैंने पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी की बात करी है कि आपको पेपर वहाँ पे कैसे अटेम्प्ट करना है, ये आप आराम से ला सकते हो क्योंकि आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है? गाइस एलआरडीए की अगर सिलेबस की बात करें तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सिलेबस खत्म करने में, बस वही कि वैरायटी वाली बात है. तो गाइस आगे बात करेंगे इस बारे में, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज काफ़ी लोग जो इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी लाइक करने से वीडियो. और सब्सक्राइब कर दो गाइस, क्योंकि डेली वीडियोज़ बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड और बीट कंसेप्ट बेस्ड वीडियो, ठीक है? कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब. चलो गाइस लेट्स स्टार्ट. तो गाइस हम लोग कुछ पॉइंटर्स डिस्कस करने वाले हैं. पहली बात तो ये गाइस कि हम लोग गलत तरह से टारगेट करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैट में. पिछली बार तो कैट में 32 क्वेश्चंस आते थे एलआरडीआई के, बच्चे चाहते हैं कि 32 में 32 कर लें या 25 कर लें, नहीं करना है गाइस. क्योंकि एलआरडीआई कैट की जो आती है काफी टफ आती है, और आएगी भी टफ, इस बार भी टफ आएगी, क्योंकि एलआरडीआई की वजह से ही कैट मेनली माना जाता है, ठीक है? और ये चीज़ है गाइस कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले से सेट करना है. जो लोग ऑलरेडी कैट में मॉक्स में बहुत ज़्यादा ला ही रहे हैं, मतलब 99-98 के अराउंड ला रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट नॉर्मली आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस का टारगेट कम रख के चलना है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी कम अटेम्प्ट्स में काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज आ जाता है. मुझे याद है पहली बार जब कैट का एलआरडीए टफ आया था 2015 में, ठीक है? तब 6 या 7 क्वेश्चन सही करने में, मतलब ये मानो 18 मार्क्स या 21 मार्क्स लाने पे 90% क्रॉस हो गया था, 6-7 क्वेश्चन. 32 में से 6 क्वेश्चन ये सही कर दिए उसके, बट लोगों ने 22 की अटेम्प्ट 21 अटेम्प्ट सब गलत करे, ठीक है? जल्दीबाजी चक्कर में कि हम ऐसा डर गए, वो डर गए कि यार कैसे हमारा आएगा आईएम कॉल, अगर हम 32 में से 10 करेंगे 12 करेंगे कैसे आएगा? तो गाइस ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर पेपर टफ आया है तो सबके लिए टफ आया है, ठीक है? ऐसा नहीं कि सबके लिए इजी आया है, ठीक है? सबके लिए टफ है, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन हमेशा सोच के ही रखना पड़ेगा कि हमको कम कर रहे हैं अटेम्प्ट. पेपर आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि पेपर टफ है कि ईजी है, ठीक है? अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ तो अलग बात है कि आपने पढ़ा ही नहीं, बेसिक भी नहीं पढ़ा है, तो आपको बेसिक चीज़ें भी इजी रहेंगी. पहली बात तो पेपर इजी आएगा ही नहीं कैट का, एलआरडीए तो नहीं आ सकता इजी, टफ ही आएगा, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर मान लेते हैं इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए, 25 हो जाते हैं, 25 मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है? क्योंकि 2 घंटे का हो गया, तो आपको टारगेट रखना है कि आपको 9 क्वेश्चन करने हैं अटेम्प्ट. आप सोचो ही मत 20 करने का, 18 करने का, 15 करने का. मेरा मानना है अगर आप 7 क्वेश्चन सही करते हो, 7 में शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, जिस तरह का पेपर आता है मैं मानता हूँ कि एवरेज टफ पेपर ही आएगा, जैसे आता रहा है 2015-16 का, वैसा पेपर अगर आता है तो आप सेफ साइड मान के चलो. अगर आप 7 क्वेश्चन सही कर देते हो, 7 क्वेश्चन 21 मार्क्स, तो आपका 85 से कम आ ही नहीं सकता कैट में एलआरडीआई सेक्शन में, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो लोगों को पता होता है, बट इसके भी लोग ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं. तो मैं मानता हूँ 40 मिनट में गाइस आप 10 या 11 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने का टारगेट रखो, 1 क्वेश्चन 4 मिनट लेना है आपको. तो ये आपके पास पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आपको अपने आप को सेफ करना है, आपको किसी तरह 8 या 9 क्वेश्चन करने, सही सही आंसर निकाल के आपको पूरा करना ही नहीं है, ठीक है? आप छोड़ दो वो उम्मीद कि आप 15 करोगे, 17 करोगे, 19 करोगे, बाद में जब टाइम बचे आपको लगता है कि आपके 8 क्वेश्चन हो गए, तब आप जो करना हो वो करो, ठीक है? ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है गाइस, सेकंड चीज़ है हमारा, ये हमारा हो गया फर्स्ट टारगेट, टारगेट करना नंबर ऑफ क्वेश्चन. सेट सेलेक्शन, अब सेट सेलेक्शन में क्या क्या होता है कि आपको देखना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि आपको मतलब क्या अच्छे से आता है. आप देखोगे सेट्स, उसमें ऑप्शन भी आता है, मेरा टाइम पे आता था कि क्वेश्चन पेपर देख सकते हो पूरा, ठीक है? आप पूरा क्वेश्चन पेपर स्क्रॉल करके देख सकते हो कि कौन कौन सेट्स आए हुए हैं, आपको आइडिया जाएगा कौन सा आपके लिए फैमिलियर है कौन सा नहीं. गैस
एलआर और डीआई में एटलीस्ट एक एक सेट तो डुएबल आएगा ही आएगा, ऐसा आएगा कि कर लेगा कोई, ठीक है, वो इतना गंदा नहीं बनाएंगे पर कोई कर ही ना पाए, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पकड़नी है कौन सा ऐसा है एलआर और डीआई में, तो वो आप पहले पकड़ो, ठीक है, वो आप पहले पकड़ो। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि आपको एक सेट में चार क्वेश्चन है, चारों चारों सही करना ही है, चार में से हो सकता है दो आपके वैसे हों एमसीक्यू, दो टीटीआई टाइप के हों, टीटीआई में चांसेस ज्यादा होते हैं गलत होने के, तो आप एक सेट के दो कर लो बाकी कर लो, ऐसे करके थोड़ा मोड़ा करके आप 7-8 क्वेश्चन कर सकते हो जिसके आंसर सही निकलेंगे, ठीक है। तीसरी चीज सॉल्व कैसे करना है गाइस, पहली बात तो हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी कम कर रहे हैं, हमको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा लेके आनी पड़ेगी, तो आपको सॉल्व बहुत नीटली करना पड़ेगा। देखो आपने सबसे बड़ी अच्छी बात क्या करी, 25 में आपने जब सोच ही लिया आपको 9 करने, तो आप आराम से चिल होकर काम करो, क्या आपको करना ही 9-10 क्वेश्चन है, तो आप आराम से टाइम देके करो, जल्दीबाजी कोई करने जरूरत नहीं है, ठीक है। उनको जल्दीबाजी होती है, उनको 25 में 24 करने तेज करने, उनको लगता है जल्दी जल्दी कर लें, और जल्दी चक्कर में सब गलत कर देते हैं वो, क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं देगा वो कि आपको लगेगा कि वो भी आंसर है, वो भी आंसर होगा नहीं, ठीक है, गलत आ रहा भी आपका आंसर ऑप्शन में मार्क होगा, ऑप्शन में होगा वो, ठीक है। वो जानते हैं कि बच्चे गलती करके क्या पहुंचेंगे, तो आपको ये देख के चलना है, बहुत सोच समझ के सारे केसेस करने हैं, तो आपको सॉल्व बहुत नीटली करना है। पेपर आपको मिलेगा, शीट मिलेगी, आराम से साफ साफ लिखो, केसेस बनते हैं इसमें, कई काफी केसेस बनते हैं, एक केस बनेगा दूसरा केस, ये ध्यान रखते चलो कि सारे केसेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, कोई केस ऐसा तो नहीं बन रहा हो आपने ना लिया हो, कभी कभी 3 केस में से 2 केस कैंसिल होकर लास्ट में 1 केस बनता है, कभी कभी क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रहती है, वो हम लोग उसी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, खाली उसको एज्यूम नहीं कर लेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन वही होगा, ये गलती मत करना, काफी लोग गलती ये कर देते हैं, इस क्वेश्चन में अगर मान लो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है तो वो आप यूज नहीं कर सकते उस क्वेश्चन में, आप वही इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हो आपके सेट में दी गई है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो आपको नीटली सॉल्व करना है। अब बात करते हैं गाइस आपको करना क्या 30 डेज में। गाइस देखो एलआरडीए में बता चुका हूं आपको टॉपिक्स सिलेबस कुछ नहीं होता, बिल्कुल मिक्स सिलेबस होता है गाइस, वो हमेशा ऐसा क्वेश्चन देगा आप समझ ही नहीं पाओगे कि आया क्या है, लीनियर रिमेम ने ब्लड रिलेशन डाल देगा, उसी में कुछ भी डाल देगा वो, ठीक है, रीजनिंग बेस्ड डीआई देता है, ठीक है, वेन डायग्राम से मैक्सिमम एनवा देता है, अच्छे वाले वेन डायग्राम देता है, तो आपको जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो ये है कि मैं मानता हूँ कि आपने एटलीस्ट पूरे साल में 15 मॉक कैट दिए ही होंगे, ठीक है। और ये हमेशा मैं बोलता रहा हूँ कि अगर कैट के मौका कोई भी ले रहे हो, ये मेक श्योर करो कि आप एलआरडीए की वीडियो सॉल्यूशन जरूरी होना है, अगर एलआरडीए की वीडियो सॉल्यूशन नहीं हो रहा तो आप समझ नहीं पाओगे एलआरडीए की, बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन होते हैं, आपका मन ही नहीं करेगा एनालाइज करने का, आपको लगेगा छोड़ो, काफी लोग नहीं करते हैं एनालाइज इसी बारे, ठीक है, खाली क्वांट करके छोड़ के चले आते हैं, बट गाइस एलआरडीए को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे सीख रहे हो, क्योंकि गाइस एलआरडीए में वैरायटी आपको सॉल्व करनी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मैंने पहले बोला है कि यहाँ पे टॉपिक वाइज नहीं आएगा कि सर्कुलर अरेंजमेंट का सिंपल क्वेश्चन आ जाए, जैसे एनमैट स्नैप में आता है, वो सब नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं, डीआई बेस्ड रीजनिंग आएगी, ठीक है, पाई चार्ट 12 ग्राफ आपका मिक्स आएगा, उसमें भी रीजनिंग लगी होगी, तो आपको बस एनालाइज करना है। तो आपको करना क्या है, अगर आपने 15 मॉक दे चुके हो, उन 15 मॉक को फिर से आप उठाओ, ठीक है, सबको एनालाइज करो अच्छे से कि क्या हो रहा है, वीडियो सॉल्यूशंस आपके पास होने चाहिए, मैं मानता हूँ, नहीं है तो अपने अकॉर्डिंग माइनस करो आप, ठीक है, आपको समझना है। तो वो 15 मॉक्स, एक मॉक में अगर 8 क्वेश्चन मान लें तो 120 सेट्स तो वो हो गए, वो आपने अगर अच्छे समझ लिया फिर से वो कर लो, प्लस अभी 1 महीना है, 1 महीने आप 10 मॉक तो मिनिमम दोगे। मैं हमेशा से बोलता हूँ क्वांटिटी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू क्वालिटी, हमेशा इंपॉर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी। लोग 20-25 मॉक देते हैं एनालाइज नहीं करते, कोई फायदा नहीं है, एज कम्पेयर टू 10 मॉक देकर अच्छे से एनालाइज कर लो उसको, तो आपके ज्यादा फायदा है कि मतलब उस तरह का क्वेश्चन है तो आपका हो जाएगा। तो आपको पहले 15 मॉक आपने एनालाइज किए, एलआरडीए सेक्शन को फिर से आप देखो, ठीक है, एक दिन में 4 या 6 सेट देखने का प्लान बनाओ कि एक दिन में 4 वीडियोज देखने मुझे एलआरडीए के पुराने मॉक्स के, ठीक है, और आपको आने वाले टाइम पे हर 3 दिन में 1 मॉक देना है, उसको एनालाइज करना है। तो टोटल मिला के आप 200 सेट्स की वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो इन 30 दिनों में, ठीक है, आपको मतलब टाइम देना पड़ेगा गाइस इस टाइम पे, अगर वाकई इतना अगर कर लोगे आप तो आपको समझ में तो आएगा ही, ठीक है, तो आपका आराम से गाइस 85% आ सकता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 85 के इवन 95 भी आ सकता है, बट मैंने बिल्कुल रियलिस्टिक टारगेट लिया 85 का, मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप 30 दिन में 99 ले आओ ये कर लो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको लोग बहुत पढ़ते हैं, लोग पूरा पुराने सीएल के पेपर लगाते हैं, एमकैट लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं, लोग बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं तब जाके उनका आता है 99-98, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है गाइस कि देखो एलआरडी ऐसी चीज़ है ना कि इसमें ये नहीं कह सकते कि जो पढ़ेगा बहुत ज़्यादा उसी का ही आएगा, एलआरडी टोटली आपका ब्रेन गेम है, रीजनिंग है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसे लोग हैं जो फ्रेशर होते हैं, ट्राई मारने के लिए कैट दिए था, गेट की तैयारी कर रहा था, कैट दे के चला गया, क्वांट्स में अच्छा आया नहीं उसका, क्वांट्स में फॉर्मूले याद नहीं थे उसको, एलआरडी रीजनिंग होती है पूरी, उसने दिमाग लगाया 92% ला के बिना कुछ पढ़े, तो ऐसे लोग होते हैं एक्सेप्शन टाइप के, ठीक है, आपको ऐसा सोचना नहीं है, मतलब यहाँ पे मैं ये कहना मतलब है कि एलआरडीए टोटली रीजनिंग और ब्रेन गेम है, ठीक है, उसमें कुछ कह नहीं सकता कि जो नहीं पड़ेगा उसका नहीं आ सकता, आ सकता है उसका भी। तो गैस आपको सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैंने बताई, 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये याद कर लो, फॉलो अच्छे से गैस आपका आ जाएगा अच्छा, ठीक है, इवन 90 तक आ जाएगा, 90-95 भी आ जाएगा। तो 30 डेज के आपको 200 सेट्स देखने हैं, पुराने मॉक्स प्लस नए 10 मॉक्स, ठीक है, इतना कर लो कि आपका आराम से हो जाएगा गैस।
मैंने आपको चारों पॉइंट बताए, चारों इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेट सेलेक्शन और नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, जो आपको सोचना है कि आपको 10 ही क्वेश्चन मान के चलना है, ठीक है। पेपर देखने के बाद कि पेपर टफ आया, ऐसा नहीं कि बहुत ही ईजी पेपर धोखे से आ गया हो तब भी 10 करने में लगे हो, वो अपने आप ही आप करोगे, अपने आप ही हो जाएंगे। अगर ईजी पेपर आया तो अपने आप आपके 10 क्वेश्चन 20 मिनट में हो जाएंगे, तो बचेगा टाइम आपका, आप कर लो दादा, ठीक है। बट आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, जो करो सही करो, आराम से आपका आएगा, ठीक है। बच्चे शॉर्ट हो गए थे 2015 में, जब देखा 18 नंबर में तक ज़्यादा परसेंटाइल आ गया है, 90 खूब न्यूज़ आ गई थी, 36 मार्क्स में 99.9 कुछ आ गया था 36 मार्क्स पे, ठीक है। तो गैस ये चीज़ है। सो गैस दिस वाज ऑल ओवर द वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करो फ्रेंड के साथ, और फिर से बोल रहा हूँ लाइक कर दो वीडियो को, काफ़ी हेल्प हो जाएगी दूसरों की, और सब्सक्राइब जरूर कर दो गैस चैनल को, बार बार बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी वीडियोज बन रहे हैं, ठीक है। कोई अगर डाउट आता है यू कैन डायरेक्टली पिंग मी एट 8604734785 मेरा नंबर है, उसे मुझे डायरेक्टली पिंग कर सकते हो। नीचे ग्रुप के लिंक्स हैं, टेलीग्राम का कैट इन मैट स्नैप सबके ग्रुप्स हैं, ज्वाइन कर लो, ठीक है। और वहाँ पे सेशंस होते हैं, और मेरा व्हाट्सएप का भी लिंक है। चलो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।